कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। और यहाँ के प्रभारी आदरणीय लखन गंगोरिया जी, छत्तीसगढ़ से पधारे। हम लोग के बड़े पुराने साथी आदरणीय अनिल साहू जी, अभी पूर्व वक्ता हमारे साले साहब भाई जेवी सिंह जी रावगढ़, पूर्व मंत्री आदरणीय पूर्व विधायक अयोध्या चौबे जी, विधायक द्वय हमारे युवा भाई लोग आदरणीय राहुल लोधी जी, भाई सरवर लोधी जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री ठाकुर साहब कृष्ण प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री बुंदेल सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद भाई आरुण दहिवार जी, मंच संचालन करते सुहारे जी, मंच विराजमान सभी सम्मानित साथीगण, वरिष्ठ कांग्रेसजन, समय का अभाव है, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथी, बड़े विस्तार से हमारे पूर्व वक्तागण ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया। मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा गोविंद राजपूत जी सुर्खी में कहां से पधारे। अपने मामा के गांव जिराई से शुरू हुए और फिर बुंदेलखंड जी के यहां पीढ़ी पत्ता बनाते बनाते और जनता के बीच में आज वो किला कोठी में रहते। जयवर्धन सिंह जी बता रहे थे और सभी पूर्व वक्तागण कि किनके गद्दारी से, कौन से महाराज सिंधिया जी की गद्दारी से ये सरकार गई। अरे उनके जो खून में है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो किसी से छुपी नहीं है। अंग्रेजों से साथ गांठ करके जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ धोखा दिया हो, उन्हें फिर से आज धोखा दे दिया कोई नई बात नहीं, लेकिन महाराज ग्वालियर सिंधिया जी और महाराज सुर्खी गोविंद राजपूत जी किला को भैया, यहां तो एक कहावत है बुंदेलखंड में, कीड़ा को शायद कीड़ा कहते हैं, कीड़ा सुर्खी में तीन कीड़ा, गोविंद, कीड़ा और गुलाब, तीन कीड़ों की कहानी है बुंदेलखंड के ये सुर्खी के अंचल में। और क्योंकि गोविंद राजपूत जी के बारे में मैं कमलनाथ जी के साथ जयसिंह नगर में आया था, बड़े विस्तार से बताया, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस गोविंद राजपूत को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया,
मंत्री बनाया, क्या कारण? मैं अलग की बात करता हूं, जब सिंधिया जी चुनाव हार गए शिवपुरी से, साहू जी यही गोविंद राजपूत हमसे कहे कि भैया अब तो सिंधिया की कहानी खत्म हो गई, महेंद्र सिंह कालू खेड़ा भी नहीं रह गए, अब तो जो कुछ है सिंधिया के ग्रुप में वो गोविंद राजपूत। लो भैया, इसकी महत्वाकांक्षा देखो। और दूसरे तरफ उनकी आका सिंधिया जी, जो एक डेढ़ महीना पहले कहते थे कि टाइगर इज जिंदा, टाइगर अभी जिंदा है, अब कहने लगे काला कौआ हो। भाई इसी क्षेत्र से विठल भाई विधायक रह चुके, रहते कि नहीं, उन्होंने उसी गाने में कुछ और भी आगे लिखा, काला कौआ ना कांटे के अलावा और क्या था, न चाहिए सोना न चाहिए चांदी, जय गिरधारी जय गिरधारी जय गिरधारी जय गिरधारी। वाह, आप सिंधिया जी से सरकार ज्ञान, सिंधिया जी एक साधारण व्यक्ति नहीं, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद सांसद बने, सांसद बनते के साथ केंद्रीय मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बनने के साथ साथ वो राहुल गांधी जी के सबसे नजदीकी व्यक्ति है थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कोई पूरा नहीं कर सकता। अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी समझ गए कि बहुत बड़ी गलती हुई जो सिंधिया जी के साथ मिलकर सरकार गिराई, ये बात सही है। मैं प्रदेश के 28 में से 14 विधानसभा हुआ आया, यहां लड़ाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है, यहां जनता भाजपा के बीच में, अपने आप जनता कहती है गद्दारों के साथ नहीं रहना, ये बिकाऊ माल के साथ नहीं रहना, हमें तो स्वाभिमान चाहिए। और बुंदेलखंड की धरती में तो भाई सबसे बड़ी चीज होती है अपनी खुद की इज्जत, कौन नहीं चाहता है कि हमें स्वाभिमान से जिए। और यही कारण है मुझे तो देवी ने भी कहा मोकलपुर के बारे में, मैं बता दूं भाई मोकलपुर जी कौन है, राजेंद्र सिंह मोकलपुर 25 साल पहले हमारे सबसे खास, सब लोग जानते, हमारे सबसे खास सागर के नेता थे, वो भी युवा थे हम भी युवा थे, और आज वो भाजपा में क्यों गए, वो यही गद्दार गोविंद राजपूत की वजह से। सही है गलत? तो भैया आप सोचो हमारे भूपेंद्र दादा क्या सोच रहे होंगे आज, हमारे गोपाल भार्गव क्या सोच रहे होंगे कि भैया हम लोगों की क्या हैसियत हो जाएगी यदि ये घमंडी आ जाएगा अपने बीच में। अब जनता की बारी है, 3 तारीख को आप कृपया करके अपना मूल मत पारू शाहू को दीजिए और इस गद्दार और इन गद्दारों को सबक सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। तो उनके जो भी तेले चपाटी हो इस मंच में, यदि एक बाल भी इसका खराब हुआ या किसी भी कार्यकर्ता का पूरे सुर्खी विधानसभा में, तो गोविंद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके सामने यहाँ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के नेता लोग छोड़कर भैया सरोज एक बैठ रहे हो जाएंगे,
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक। 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।